अस्सलामुअलैकुम कौसर का जाम है, खुश आमदीद और वेलकम। ये लजीज पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये कहते हैं ये स्नैक समझ लीजिए या इसको पिज़्ज़ा समझ लीजिए, बहुत ही लजीज बनता है। और ये मैंने बंदगोभी से तैयार किया है। जब घर में कुछ ना हो या घर में कुछ पकाने को आपका दिल ना चाहे तो ये आप आराम से जो है वो लंच में डिनर में बना कर जो है वो अपना पेट भर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है ये, एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पिज़्ज़ा का भी मज़ा आ जाएगा और लजीज आपको स्नैक का भी मज़ा आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक काटते हैं तो ये जो हमारा पीलर होता है जिससे हम छिलका उतारते हैं पील करते हैं, ये कहते हैं आप ले लीजिए और इससे जो है वो काट लीजिए, या आप अगर उससे छुरी से भी काट सकते हैं बारीक बारीक तो काटती है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना बारीक उससे होगा नहीं। ये देखिए बारीक बारीक हमने काट लिया है उसको। अब इसको जो है वो आप रखिए और उसको धो लीजिए, पानी में डालकर जो है वो अच्छी तरह से धो लीजिए ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये पानी में हमने डाल दिया है इसको। अब इसको जो है वो छलनी में डालेंगे हम। एक बड़ी छलनी ले लीजिए या जो भी आपके पास छलनी है, या फिर कपड़े पर फैला दीजिए, पानी निचोड़ कर कपड़े पर फैला दीजिए, उससे भी जो है वो इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसे पिछली वीडियो में जो हम बात कर रहे थे ये फोबिया के बारे में बात कर रहे थे। फोबिया जो है वो कहते हैं इंसान के अपने दिमाग की पैदावार होता है, वरना फोबिया होता कुछ भी नहीं है। 1 टेबल स्पून जो है वो हमने ऑयल डाला है इसके अंदर, और इसके बाद जो है ये तमाम बंद गोभी जो हमने काट ली, तकरीबन ये आधी कहते हैं पीस में से आधी कहते हैं हमने ली थी, और ये इस तरह से हम इसको इसके ऊपर रख देंगे। और जब तक इंसान खौफ खाता रहता है डरता रहता है तो ये डर जो है वो उसे डराता रहता है, यानी जो डर गया वो मर गया। इसलिए कहते हैं अगर समंदर में उतरना है तो खौफ को जो है वो अपने कहते हैं उतार दीजिए, निकाल दीजिए अपने दिमाग से। और खौफ चाहे क्या कहते हैं सिर्फ समंदर कहते हैं यही नहीं होता, पानी का समंदर ही नहीं होता। अब इसमें जो है वो मैं क्या कहते हैं 2 अंडे मैंने फेंट कर ले लिए हैं। आप साथ में इसमें काली मिर्च और नमक भी डालकर कहते हैं वो कर दीजिए, या इसके ऊपर से आप स्प्रिंकल कर दीजिए। दोनों तरीके से आप जो है वो, ज़िंदगी का समंदर भी बहुत बड़ा होता है, लोगों का समंदर होता है, तो इस समंदरों में उतरने के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसलिए फोबिया को जो है वो लोगों का खौफ, मौत का खौफ, गुर्बत का खौफ, इन सब खौफ को जो है वो आप निकाल कर इसी समंदर में जा सकते हैं। ये देखिए हमारा जो है वो अच्छा सा क्या आते हैं स्प्रिंकल करेंगे, और इसके बाद थोड़ी सी हम काली मिर्च और नमक, और इसको हम ढककर जो है वो पकाएंगे थोड़ी देर, धीमी आंच में पकाना है इसको। और इसको पकाने के बाद जो है वो पलट देंगे। तो फिर हिम्मत कीजिए इन तमाम समंदर में उतरने की, और उसके बाद जो है वो आप तैर सकते हैं। ये देखिए मैंने पलट लिया था इसको, और पलटने के बाद अब इस पर जो है वो मोज़रेला चीज़ डालेंगे हम। ये मोज़रेला चीज़ जो अगर थोड़ी देर ग्रेट करके रखो तो ये चिपक जाता है, इस तरह से कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मोज़रेला डालेंगे और इसके ऊपर जो है वो ऑरेंज वाला पीस जो होता है वो कहते हैं जो हम बर्गर में लगाते हैं, वो भी मैं थोड़ा सा डाल दूँगी ताकि ये खूबसूरत लगे। ये देखिए इस तरह इस पर स्प्रिंकल कर देंगे हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ओरिगानो डाल देंगे इसके ऊपर, और ये हमारा मज़ेदार सा कहते हैं पिज़्ज़ा स्नैक तैयार हो गया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में फैमिली में, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। तो इसको चीज़ को मेल्ट होने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक ही देंगे, लेकिन इसको जो है वो फ्लेम जो है वो कम ही रखेंगे ताकि ये जले नहीं नीचे से। तो फिर इजाज़त दीजिएगा कौसर को, कौसर के जहाँ से दुआओं में याद रखिएगा। इसको अब निकालते हैं और इसकी कटिंग करते हैं हम। दुआओं में सबको याद रखा कीजिए, जब भी हाथ उठाया कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और फोबिया के समंदर में उतरने की तैयारी कीजिए, हिम्मत कीजिए, खौफ कुछ भी नहीं होता।
एक बार इंसान जो है वो कहते हैं इसमें उतर जाता है तो फिर सारे खौफ निकल जाते हैं। ये काट लिया है मैंने उसको, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको आप बगैर क्या कहते हैं किसी चीज़ के भी खा सकते हैं, इसी तरह से आप अपने लंच और डिनर में खा सकते हैं। तो फिर इजाज़त दीजिए और दुआओं में सबको याद रखिएगा, मुझे भी याद रखिएगा, और ये बनाइएगा ज़रूर। आपको बहुत कम वक्त में, बहुत थोड़े से टाइम में जो है बहुत मज़ेदार सा ये लंच डिनर मिल जाएगा। तो फिर इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।